सिद्धार्थ नगर में इस्लाम धर्म के तकरीर से प्रभावित होकर अलीगढ़वा गांव के रहने वाले एक परिवार ने इस्लाम धर्म को अब कबूल कर लिया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब धर्म परिवर्तन की जानकारी आसपास के लोगों को हुई। बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें परेशान किया जाने लगा, जिसके चलते मजबूरी में इस परिवार ने अपना रोजगार बंद कर दूसरे गाँव में शरण लेना पसंद कर लिया है। यूपी के सिद्धार्थ नगर कपिल वस्तु थाने के अलीगढ़वा गांव के रहने वाले अवध राम के 5 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा रामधनी और उसकी पत्नी गुड़िया ने लगभग 2 माह पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। धर्म परिवर्तन करने से पहले रामधनी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली धोबी जात से ताल्लुक रखता था। रामधनी सिलाई का काम नेपाल बॉर्डर से लगे धनगढ़वा में करता था। वहीं इस्लाम धर्म की तकरीरों को सुनने के बाद वह इस्लाम धर्म से प्रभावित हो गया और उसने अपनी पत्नी गुड़िया व 9 साल की बेटी के साथ धर्म परिवर्तन कर लिया और रामधनी से अब्दुल रहमान बन गया, जबकि पत्नी गुड़िया आयशा हो गई। जब लोगों को इस बात का पता चला तो मकान मालिक ने सबसे पहले अपनी दुकान खाली करा लिया, साथ ही आसपास के लोगों ने उस पर फप्तियां कसना चालू कर दिए, जिससे वह परेशान होकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर मानवाधिकार आयोग और जिला प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारियों को पत्र भेजकर सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही अपना आसियाना मुस्लिम बाहुल्य गांव पिपराहुआ में बना लिया, जहां वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुस्लिम हो गए, जब आदमी मार हो गए तो पाछे हम हो गए। लोग जब दरखास्त छोड़े तब पुलिस लोग मने गए, घर का आदमी कहीं कि वहाँ से हटा दो, के ना बाहर से किए कहीं के ना कहीं तेन पचन गए मने करी थाना किए ने किए कि मुसलमान हो जाए। हाँ, हम हिंदू का उकरे के कहीं कि हो जाओ हिंदू रहे। कुछ नहीं सर, पहले से राय हम देखते रहे, ये एक महीने के बीच में समझ लीजिए कुर्बानी के बीच में तकरीर सुनत रहे, लेके तकरीर सुनत। वो बोले सर कि तकरीर ना सुनो, अपने हिंदू धर्म में रहो भैया, काहे तकरीर सुनत हो। अब क्या चाहते हैं कि हम जैसे यही चाहते हैं कि हिंदू बन के रहे तो ठीक है। तो इस्लाम धर्म मैंने लगभग 6-7 साल से तकरीर सुन रहा था। तकरीर सुनते सुनते मुझको उसमें अच्छाई बुराई दिखाई दी, तो मैंने अपनी मर्जी से होशहवास में इस्लाम कबूल किया अपने परिवार के साथ में। तो दुकान मेरा धनगढ़वा में जंगल उस पार दुकान था, तो वहाँ कुछ लोग परेशान कर रहे थे। सामने से मुझे नहीं परेशान करने थे, पुलिस वाले को ऊपर दबाव डाल रहे थे, तो पुलिस वाले उठा के ले जाके बोल रहे थे कि हम लोग को जनता हम लोग के ऊपर प्रेशर डालती है, तो आप यहाँ दुकान मत कीजिए, आप यहाँ जाइए, आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं मामला पुलिस और जिले के आला अफसरों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने का दावा कर रही है। में एक रामधनी जी हैं और उनका कहना है कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने अपना नाम जो है अब्दुल रहमान भी रख दिया है। वो सिलाई वगैरह का कार्य करते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था थाने पर कि हमें धर्म परिवर्तन मैंने किया है, हमें कुछ लोग सामाजिक तत्व परेशान कर सकते हैं। फिलहाल इस संदर्भ में प्रकरण में जांच भी की गई है, तो जांच में ये पाया गया है कि उनको फिलहाल कोई परेशान नहीं कर रहा है। और यदि कोई बात बाद में आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि धर्म परिवर्तन के पीछे क्या कारण है यह जांच का विषय है। रामधनी अब अब्दुल रहमान के पिता उसे अब भी हिंदू धर्म में वापसी की गुहार लगा रहे हैं। सिद्धार्थ नगर से दीप यादव की रिपोर्ट।